तो कोटा संभाग में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से बांध लबालब हो गए हैं। अधिकांश बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में जहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, शहर के देवरी अरब इलाके में पानी भर गया है और एहतियात के तौर पर कोचिंग और स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बजरंग नगर का नाला जो कि लबालब हो गया है, इसके बाद घरों में पानी घुस गया है। वहीं कोटा के सांगो क्षेत्र में पूरी रात बारिश का दौर जारी रहा और खेतों में फसलें भी जलमग्न हो गईं। वहीं मकानों में पानी घुस गया है। इधर सुल्तानपुर क्षेत्र में भी भारी बारिश का दौर जारी है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं, कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं इधर सुल्तानपुर क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। यहाँ पर मारवाड़ चौकी रेलवे नाले में तेज उफान के चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उधर मुंडला से पारलिया गांव में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर से सिमलिया सड़क मार्ग पर दरबीजी नाले में भी उफान आने से सुल्तानपुर से भूरा सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो वहीं कालीसिंध नदी में भी तेज पानी की आवक होने से बड़ौत कालीसिंध की पुलिया पर भी चादर चलने लगे हैं। ऐसे में सुल्तानपुर क्षेत्र का पूरी तरह से संपर्क कट गया। यहाँ जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इधर कोटा के दीगोद कस्बे में सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। रामगंज मंडी में बरसात ने गांव के रास्ते बंद कर दिए हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं तो निचली बस्तियों के घरों में अंदर तक पानी घुस गया है। चेचड़ से अलोद का संपर्क ताखली नदी में उफान से बंद हो गया है। रामगंज मंडी में अंडरपास में पानी भरने से लोगों को नगर में आने के लिए ओवरब्रिज से होकर निकलना पड़ रहा है। इधर आहू नदी और अमझार नदी में जबरदस्त बरसाती पानी की आवक हो रही है। वहीं कोटा बैराज के 10 गेट खोलकर 1,71,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो कोटा में भारी बारिश जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, घरों में पानी घुस गया है, सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई हैं। कलेक्टर ने बैठक बुलाई है, हालांकि इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।